जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एसएसबी सक्सेस। फॉर एनी क्वेरी रिगार्डिंग एसएसबी एंड एएफएसबी, प्लीज जॉइन आवर टेलीग्राम चैनल एसएसबी सक्सेस, हुज लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। एंड फॉर मोर अपडेट्स रिगार्डिंग एसएसबी एंड एएफएसबी, डू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एसएसबी सक्सेस। सो टुडे वी आर गोइंग टू कवर एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक विच वॉज इन न्यूज, एंड दैट इज रिलेटेड टू इंटरनेशनल रिलेशन विच इज बिटवीन इंडिया मैक्सिको। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एसएसबी एंड एएफएसबी पॉइंट ऑफ व्यू। सो लेट्स गेट स्टार्टेड with our topic. See why it is in news. Dekho, on the occasion of Mexico National Day, which was celebrated on 16th of September, India ne apne greetings ko extend kiya hai aur facilitate kiya hai sare Mexico ke nationals ko aur commemorate kiya hai 72 years of establishment of diplomatic relation. Aap Mexico ki location ko map mein dekh sakte ho video ko pause karke. क्या है रीसेंट डेवलपमेंट्स इंडिया और मैक्सिको के बीच में? देखो, जून 2022 में इंडिया और मैक्सिको ने साइन किया था एक एग्रीमेंट फॉर कॉपरेशन इन स्पेस, फोकसिंग ऑन एरियाज रेंजिंग फ्रॉम ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट टू हेल्थ एंड फार्मास्यूटिकल। ये जो स्पेसिफिक कॉपरेशन एग्रीमेंट है वो किस पे हुआ था? क्रॉप मॉनिटरिंग, ड्रॉट असेसमेंट, कैपेसिटी बिल्डिंग, जो कि साइन किया गया था ऑन द बिहाफ ऑफ इंडियन लाइक स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज इसरो। इसरो और AEM, जो कि मैक्सिकन की स्पेस एजेंसी है, उन्होंने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑन स्पेस कॉपरेशन फॉर पीसफुल पर्पज को साइन किया था इन अक्टूबर 2014 में भी। देखो, कैसे रहे हैं इंडिया और मैक्सिको के रिलेशन, उनकी बात कर लेते हैं, हिस्टोरिकल टाइज से लेके अदर टाइज तक। देखो, बीइंग कॉलोनीज इन द पास्ट, इंडिया और मैक्सिको का कनेक्शन है यूरोपियन कनेक्शन ऑफ द कॉलोनियल एरा। मैक्सिको फर्स्ट लैटिन अमेरिकन कंट्री थी जिसने रिकॉग्नाइज किया इंडिया को आफ्टर इंडिपेंडेंस और एस्टैब्लिश किया डिप्लोमेटिक रिलेशन विद इंडिया इन 1950। मैक्सिकन की जो वीट वेराइटीज है वो यूज की जाती है इंडो मैक्सिकन हाइब्रिड्स में, जो कि बैकबोन थी हमारे इंडियन ग्रीन रेवोल्यूशन की इन द 1960। कोल्ड वॉर ईयर्स के टाइम पे मैक्सिको और इंडिया ने एक साथ काम किया एज द मेंबर्स ऑफ यूनाइटेड नेशन, जो एक्टिवली चैंपियनिंग द इंटरेस्ट ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज, जैसे कि उरुग्वे राउंड ऑफ ट्रेड नेगोशिएशन अंडर द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें दोनों ने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया। दोनों कंट्रीज मेंबर है G20 के। इकोनॉमिक एंड कमर्शियल रिलेशन की बात करते हैं, इंडिया जो है वो 10th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है मैक्सिको का, एंड ट्रेड बैलेंस जो है वो हमेशा इन फेवर ऑफ इंडिया रहा है फॉर 8 ईयर्स। मैक्सिको करेंटली इंडिया की लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है लैटिन अमेरिका में। 2021 में एक्सपोर्ट जो था टू मैक्सिको फ्रॉम इंडिया रीच अराउंड $5.931 बिलियन, और इम्पोर्ट जो था दैट वॉज $4.17 बिलियन, टेकिंग द टोटल ट्रेड टू $10.11 बिलियन। इंडियाज एक्सपोर्ट टू मैक्सिको क्या क्या है? व्हीकल एंड ऑटो पार्ट्स, इलेक्ट्रिकल मशीनरी एंड इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट, ऑर्गेनिक केमिकल्स, रेडीमेड गारमेंट्स, एल्यूमिनियम प्रोडक्ट्स, आयरन एंड स्टील प्रोडक्ट्स, जेम्स एंड ज्वेलरी। इंडिया के कौन कौन से इम्पोर्ट्स हैं फ्रॉम मैक्सिको? क्रूड ऑयल, ऑर्गेनिक केमिकल्स, इलेक्ट्रिकल गुड्स एंड मशीनरी, व्हीकल्स एंड ऑटो पार्ट्स, आयरन एंड स्टील। ओके, इफ वी टॉक अबाउट इंडियाज इम्पोर्ट्स, क्रूड ऑयल, मिनरल फ्यूल, फर्टिलाइजर, ये जो है ऑक्यूपाई करते हैं इंडिया के किस में? इम्पोर्ट्स में। अदर देन दैट, जो क्रूड ऑयल है वो 75% है ऑफ एक्सपोर्ट बास्केट फ्रॉम मैक्सिको। इंडिया का जो एक्सपोर्ट है फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट का, वो रिमेन रहा है स्टेडी में इन 2020, और वो बढ़ गया है मोर देन 80%। सिक्योरिटी की बात करते हैं, दोनों कंट्रीज एक कॉमन कंसर्न को शेयर करती है ओवर ग्रोइंग ट्रेडिशनल एंड नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी चैलेंजेस, पर्टिकुलरली द राइज ऑफ ग्लोबल टेररिज्म। इफ वी टॉक अबाउट कल्चरल टाइज, गुरुदेव टैगोर इंडियन कल्चरल सेंटर हैज बीन फंक्शनिंग इन मैक्सिको सिंस अक्टूबर 2010, जिसमें योगा, क्लासिकल डांसेस, म्यूजिक एक्सेट्रा को सिखाया जा रहा है। एक एग्रीमेंट साइन हुआ था ऑन कल्चरल कॉपरेशन, जो कि एग्जिस्टेंस में है सिंस 1975, और कॉपरेशन एक्टिविटीज को कैरिड आउट किया गया थ्रू 4 ईयरली प्रोग्राम्स ऑफ कल्चरल कॉपरेशन। पॉलिटिकल रिलेशन की बात करते हैं,
कोल्ड वॉर ईयर्स में मैक्सिको और इंडिया ने एक साथ काम किया है एज अ मेंबर्स ऑफ यूएन G15, G6 न्यूक्लियर डिसआर्ममेंट और दोनों एक्टिवली चैंपियनिंग रखते हैं इंटरेस्ट ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज का सच एज इन उरुग्वे राउंड ऑफ ट्रेड नेगोसिएशन। नेवर्थलेस रिलेशनशिप जो है दोनों के बीच में वार्मथ एंड फ्रेंडशिप के हैं। मिडिल ऑफ 80s में काफी सारे विजिट्स रहे बिटवीन द कंट्रीज एट हाईएस्ट लेवल। रिलेशनशिप ने मोमेंटम अगेन कब गान की 2007 में जब विजिट हुआ किसका, मैक्सिकन प्रेसिडेंट फेलिपे कैलेडन का, और विजिट किया गया देन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्रतिभा पाटिल टू मैक्सिको इन 2008 जिसमें एक एस्टैब्लिश की गई प्रिविलेज पार्टनरशिप को। मोर रिसेंटली दूसरे विजिट्स भी जो है पे किए गए मिनिस्टर लेवल पे टू मैक्सिको। मई 2017 में मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट्स फॉर होम अफेयर किरण रिजिजू ने विजिट किया था कंट्री को। जो बायलेटरल रिलेशनशिप है उन्होंने एक बूस्ट लिया था नवंबर 2014 में जब प्राइम मिनिस्टर मोदी मेट किए प्रेजेंट पेना नियोटो के साथ ऑन साइडलाइंस ऑफ G20 मीटिंग एट ब्रिस्बेन और इन जून 2016 एट द साइडलाइंस ऑफ यूएनजीए इन न्यूयॉर्क। दोनों कंट्रीज के सेवरल बायलेटरल एग्रीमेंट्स है और मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग्स है जिसमें इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एंड प्रोटेक्शन आता है, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस आता है, एक्सटेडिशन एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंस इन कस्टम मैटर्स आता है, एयर सर्विसेज, S&T कॉपरेशन लाइक साइंस एंड टेक्नोलॉजी कॉपरेशन आता है, स्पेस कॉपरेशन आता है, प्रमोशन ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिन, टूरिज्म प्रमोशन, कल्चरल एक्सचेंजेस एक्सेट्रा। इंडियन कम्युनिटी की बात करें, देखो इंडियन कम्युनिटी जो मैक्सिको में है दैट इज एस्टिमेटेड टू बी मोर देन 7,000 जो कि मोस्टली मोस्ट ऑफ देम दे आर सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स ऑफ इंडियन आईटी कंपनीज, एकेडमिक प्रोफेसर्स एंड प्राइवेट बिजनेसमैन। टूरिज्म जो है दोनों कंट्रीज के बीच में दैट इज स्टेडली इंक्रीजिंग और मैक्सिकन्स ने अपनी एक्सटेंड किया है ऑनलाइन ई टूरिस्ट वीजा फैसिलिटी को भी। इंडिया के जो नेशनल्स है दे आर होल्डिंग ऑर्डिनरी पासपोर्ट्स बट हैविंग अ वैलिड वीजा फॉर द USA, UK, कैनेडा, Schengen area or Japan, and holders of permanent residence in the same countries or member states of Pacific Alliance, Colombia, Chile and Peru do not need a visa for short tourism or business visits to Mexico. चैलेंजेस की बात कर लेते हैं। मैक्सिको और इंडिया के डिफरेंट व्यू पॉइंट्स हैं ऑन द इशू ऑफ न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन। हाउएवर ड्यूरिंग द इंडियन प्राइम मिनिस्टर 2016 विजिट मैक्सिको ने सपोर्ट किया था इंडिया के बिट को टू बी पार्ट ऑफ न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप। दोनों कंट्रीज के डिफरेंसेज हैं ऑन द इशूज ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रिफॉर्म। मैक्सिको जो है वो मेंबर रहा है यूनाइटेड फॉर कॉन्सेंशियस ग्रुप कॉफी क्लब, ठीक है, जैसे इंडिया और दूसरे ग्रुप ऑफ फोर मेंबर्स जापान, जर्मनी एंड ब्राजील जो कि अपोज करते हैं एक्सपेंशन ऑफ परमानेंट मेंबरशिप इन द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। ओके, व्हाट इज द कंक्लूजन? इंडिया और मैक्सिको ने स्ट्राइक किए हैं सिमिलैरिटीज इन जियोक्लाइमेटिक कंडीशन, बायोडाइवर्सिटी, फिजियोगैनमी, पीपल, कल्चरल एंड फैमिली वैल्यूज। दोनों जो है हेयर्स टू अ ग्रेट सिविलाइजेशन हेरिटेज एंड कॉन्टैक्ट जो है वो इंडिकेटिवली टू बैक द सेंचुरी से हैं। सो गाइज दैट वॉज ऑल। आई होप यू लाइक द वीडियो। इफ यू लाइक इट डू लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब आई यूट्यूब चैनल SSB सक्सेस। गाइज योर लाइक्स एंड कमेंट्स मोटिवेट अस टू मेक मोर वीडियोज एंड दैट टू on time. Thank you.